आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्याज हरी मिर्च का तीखा लच्छेदार चटपटा पराठा। इसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है और जब आप इस पराठे को बनाकर खाएंगे तो आपको लगेगा आपने कुछ तो नया, कुछ तो अलग खाया है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए प्याज और हरी मिर्च का लच्छेदार पराठा बनाना शुरू करते हैं। प्याज हरी मिर्च का पराठा बनाने के लिए हम एक बर्तन में एक कप गेहूं का आटा ले लेंगे। इसी के साथ हम इसमें एक कप मैदा डाल देंगे। आप चाहें तो आटे को इस्तेमाल करें और मैदे को स्किप कर दें। इसके बाद अब हम इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे और साथ में 2 टीस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। आप चाहें तो ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। और आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी हम इस स्टफ पराठा बनाएं तो हमें इसका आटा सॉफ्ट ही लगाना है, क्योंकि अगर हमने आटा हार्ड लगाया तो रोलिंग करते हुए हमारी स्टफिंग बाहर आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर आटे को अच्छे से पंच मारते हुए अच्छे से गूंथ लेना है। और यहाँ पर हमने आटे को अच्छे से सॉफ्ट गूंथ लिया है। अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। पराठे की स्टफिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज की प्याज ली है। हमने यहाँ पर प्याज को पतला पतला लंबा काट लिया है। यहाँ पर चॉप किया हुआ थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। इसी के साथ हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई ली है। अगर आपके बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। अब हम प्याज और हरे धनिये को मिला देंगे। यहाँ पर हमने प्याज और हरे धनिये को मिला दिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। यह कम तीखी होती है, इसे हमारे पराठे में कलर अच्छा आता है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और साथ में 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर देंगे। इससे हमारा पराठा एकदम चटपटा बनेगा। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसमें आमचूर का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसमें नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर नमक ऐड नहीं किया है, बाद में ऐड करेंगे। अगर हमने पहले ऐड कर दिया तो हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम सभी को अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर हमने सभी को अच्छे से मिला लिया है और जो चौकी हुई हरी मिर्च है ये भी हम इसी में मिला देंगे। अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और फिर से अच्छे से मिला देंगे। और यहाँ पर हमारी पराठे की स्टफिंग बनकर तैयार है। अभी हम इसे एक साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर 10 मिनट के बाद हमारा आटा तैयार है। अब हम इसमें से लोइया तोड़ लेंगे। आपको यहाँ पर पराठे छोटे बड़े जैसे बनाने हैं, लोइया अपने हिसाब से छोटी बड़ी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर पेड़ा बना लिया है और इस पर आटा लगा दिया है। अब हम इसको रोटी जितना बेल लेंगे। इसे ज्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही बेलना है। यहाँ पर हमने इसे रोटी जितना बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो घी या बटर भी लगा सकते हैं। और हमने यहाँ पर अच्छे से ऑयल लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर स्टफिंग रख देंगे। हमें यहाँ पर स्टफिंग अच्छे से फैलाकर रखनी है। हमने यहाँ पर अच्छे से स्टफिंग रख दी है। अब हम इसको हल्के हल्के हाथों से फोल्ड कर लेंगे। आप इस तरह से ये पराठा बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और इस तरह से हमने पराठे को फोल्ड कर लिया है। अब हम एक किनारे को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और दूसरे किनारे को नीचे की ओर चिपका देंगे। और हमने इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा दिया है। अब हम हाथ से थोड़ा प्रेस करते हुए इसे फैला देंगे। अभी हम इसे रोल नहीं करेंगे, पहले हम इसको हाथों से अच्छे से फैला देंगे। अगर हम इसे पहले रोल कर देंगे तो हमारी पराठे की स्टफिंग बाहर आ जाएगी। यहाँ पर हमने पराठे को अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसको बेलन से हल्के हाथों से रोल कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा एक पराठा रोल हो चुका है। इसी तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे। हमने यहाँ पर तवे को पहले से ही गर्म कर लिया है। अब हम पराठे को इसके ऊपर डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेक लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। आप चाहें तो घी या बटर भी लगा सकते हैं। हमारा पराठा नीचे से सिक चुका है। अब हम इसको पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा पराठा अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसको दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। और यहाँ पर हमारा पराठा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। इसी तरह से हम दूसरे पराठे भी बना लेंगे। और ये लीजिए प्याज और हरी मिर्च के लच्छेदार चटपटे पराठे एकदम परफेक्ट बनकर तैयार। और आपने देखा, हमने इन्हें एकदम सिंपल तरीके से बनाए हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं। और ये देखिए हमारा पराठा अंदर से कितना जबरदस्त और टेस्टी बना है। आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ में सर्व करें या फिर चटनी या फिर दही के साथ में भी सर्व करें, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।